आपको याद होगा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो दोनों एक दूसरे की फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो रिफ्यूलिंग हो या रखरखाव ही क्यों ना हो। और भारत को ये मौका मिल भी गया है, जिससे चीन न जाने कब से अपने बाल नोचने में लगा हुआ है। अब हुआ यह है कि भारत का P-8I मैरीटाइम पेट्रोल और टोही विमान, जो कि पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह निगरानी जैसे अभियानों के लिए जाना जाता है, वो इस समय समुद्री अभियानों में भाग लेने के लिए मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई शहर डेनवर पहुंच गया है। समझ लीजिए, ये विमान पनडुब्बियों के लिए काल साबित होता है, और पनडुब्बी चाहे कितनी भी गहराइयों में क्यों ना छुपी हो, ये उसे ढूंढ निकालता है और मार गिराता है। यहाँ हम बता दें कि भारतीय नौसेना का P-8I विमान और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना साथ मिलकर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इन दोनों देशों का दुश्मन एक है और वो है चीन। तभी अब ये दोनों देश मिलकर छुपी हुई चाइनीज पनडुब्बियों का पता लगाने का खाका तैयार कर रहे हैं, ताकि कैसे चाइनीज पनडुब्बियों को मार गिराया जा सके। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, जिसकी हमने आपको आगे बात की थी, और ये दोनों देश साथ मिलकर युद्ध जैसे हालातों में लड़ने की कला भी हासिल कर रहे हैं। वहीं भारतीय नौसेना ने कहा है कि हाल के दिनों में समुद्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभियानों के माध्यम से दोनों समुद्री राष्ट्रों के बीच संवाद में वृद्धि हुई है, जिसने अंतर संचालन को बढ़ाया और मित्रता के सेतु को मजबूत किया है, जो साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते हुए कद को आधे से भी आधा करने का काम करेगा। और अभी मामला ठंडा है, तो भारत ने यह सही वक्त चुना है युद्धाभ्यास करने का। इससे चीन का ध्यान कहीं और है, और भारत ने मौके पर चौका मारा है। अभी भारत जितना पसीना बहा लेगा, उतना ही उसको आगे चलकर चीन को टैकल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि चीन एक ऐसा शातिर खिलाड़ी है कि वो कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं। तभी भारत ने सही मौका देखते हुए अपना हथौड़ा चला दिया है, और तो और ऑस्ट्रेलिया भी इसी इंतजार में बैठा था। और जब भारत का P-8I विमान ऑस्ट्रेलियाई धरती पर गरजा होगा, तब चीन को तो इसके झटके जरूर लगे होंगे।